हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जियों के राजा आलू से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा करा नाश्ता, वो भी एक चम्मच तेल में। तो है ना कमाल की रेसिपी। दूसरी खासियत क्या है कि इसके लिए आपको आलू को उबालने की भी जरूरत नहीं है, तो आप कच्चे आलू से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो आपकी टाइम की भी बचत है और गैस की भी बचत है, क्योंकि आलू को उबालने में गैस की बर्बादी होती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी के लिए मैंने दो आलू लिए हैं जो कच्चे हैं, और मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल करना। ना बहुत बड़ा आलू लेना है, ना बहुत ज्यादा छोटा आलू लेना है, मीडियम साइज का आलू काफी होगा। और ये वेट ने हमारा 50-50 ग्राम का आलू है, और इस तरह से ये 100 ग्राम आलू है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम स्किन को निकालेंगे, यानी छिलके को निकालेंगे। तो ये वाला जो नाइफ होता है इससे बहुत ही आसानी से निकल जाता है। किस किस के पास ये वाला है बताना कमेंट बॉक्स में। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपका जो आलू होता है उसको छीलते हुए आपके हाथ भी काले नहीं पड़ते हैं। नॉर्मल चाकू से यानी नाइफ से आपके हाथ जरूर काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम फटाफट आलू को छील लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसकी स्किन को निकाल दिया यानी छिलके को। अब हमें आलू को तुरंत ही पानी में डाल देना है, क्योंकि अगर आप आलू को बाहर रखेंगे तो आलू काले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से हल्का सा चिल वाटर लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा चिल होना चाहिए। और इस तरीके से हम आलू को डुबो कर 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि आलू आपका टाइट हो जाए। तो हल्का सा जब ठंडा पानी होगा तो आलू को थोड़ा सा मजबूती देगा, यानी थोड़ा सा मजबूत बनाएगा, थोड़ा सा ठस बनाएगा। और जब ये ठोस हो जाएगा तब हम इसे जब रेसिपी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा और लुक भी आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है, हम आलू को निकाल लेंगे और इसे एक पानी और वॉश करेंगे। तो चलिए एक पानी और वॉश करके लेके आते हैं, ताकि आलू अच्छे से साफ हो जाए। फिर इसके बाद हम कैसे यूज़ करेंगे आपको बताएंगे। तो अब हमने एक प्लेट ले ली है, अब हम क्या करेंगे, मोटा वाला ग्रेटर का जो होता है ये वाला भाग, इसी से हम ग्रेट करेंगे। इस वाले से नहीं करना है जो मीडियम वाला होता है, ना ही बहुत स्मॉल वाले से करना है जो बिल्कुल छोटा छोटा है। जो सबसे बड़ा वाला होगा उसी से हम करेंगे। इससे जो हमें लच्छे मिलेंगे वो लंबे लंबे मिलेंगे और इससे लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमें इसको लंबे लंबे लच्छे में करना है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने इसके लंबे लंबे लच्छे निकाल लिए हैं, कितने ज़्यादा लंबे लंबे हैं, हल्के से मोटे हैं। अब इसे हमें बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करना है, फटाफट इसे हम पानी में डालेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे पानी में ट्रांसफर कर देते हैं। और अब हम जैसे चावल को वॉश करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसे भी वॉश करना है, क्योंकि जैसे चावल में माड़ होती है वैसे ही आलू में स्टार्च होता है, उसे हमें निकालना है। तो हल्का सा ठंडा पानी में डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इस तरह से हम इसे मल मल के निकाल लेते हैं। और ये जो पानी होगा उसको आप वेस्ट मत करना है, इससे आप मुंह को वॉश कर सकते हैं यानी फेस वॉश बना सकते हैं, और जो आपके डार्क सर्कल होंगे उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये देखिए कितना पानी हमारा पीला पीला सा है, और यही स्टार्च है, इसी से जो आपका नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा बनता है और कुरकुरा नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आलू का नाश्ता शुरुआत में बनाते हैं तो कुरकुरा होता है, बाद में वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसका कारण ये पीला वाला पानी होता है। तो चलिए इसे 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है, तो देखिए हमारे लच्छे कितने व्हाइट हो गए और कितने खिले खिले से हो गए हैं। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ, आगे का काम हम गैस पे करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ और एक पैन रखा है, आप कोई भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब इसमें हम सिर्फ 1/2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1/2 चम्मच तेल का बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो तेल को हम बिल्कुल अच्छे से धुआंधार गर्म कर लेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होता है हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो तेल में थोड़ा सा कड़वापन होता है सरसों के, आप सभी लोग जानते होंगे, इसे अच्छे से हीट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें हींग डालेंगे और हींग को हम तड़कने देंगे। और अब इसके बाद जो हमारा ये आलू था जिसको हमने इस तरीके से ग्रेट करके रखा है, इसको हम डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे, गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे, और आलू को हमें पकाना नहीं है, बस इसको हल्का सा भूनना है। तो इसका सिर्फ 75% भाग कच्चा होना चाहिए, 25% हमें कुक करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, मैं आपको बता दे दूंगी कैसे। तो गैस के फ्लेम को हाई करते हुए हम इसे बढ़िया तरीके से भूनेंगे, और हमें नमक नहीं डालना है, अगर हम नमक डालेंगे तो आलू हमारे कुक हो जाएंगे। तो बिना नमक डाले हम इसे बढ़िया तरीके से भूनेंगे। आप चाहें तो इसे रिफाइंड में भी भून सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो ये देखिए हमें सिर्फ 1 मिनट तक इसे भूना है, और इसमें हमें
कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बस सिर्फ एक मिनट तक हमारा आलू भुन गया है अच्छे से। अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाफट ठंडा कर लेते हैं, गर्म नहीं इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड जब तक ये ठंडा होगा हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरा काम कर लेते हैं। तो चलिए इसे साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड एक छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च, जो हमारे 5 दाने हैं। और काली मिर्च का जो टेस्ट है वो खाने के बाद भी जुबान पर रहता है, इसलिए काली मिर्च जरूर डालना है। फिर इसके बाद हम इस पर डालेंगे हरा धनिया, जो डंठल के साथ डालेंगे। हरा धनिया जरूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम लहसुन की कलियां डालेंगे, जो हम स्किन के साथ इसलिए डाल लें क्योंकि हमारा लहसुन ताजा वाला लहसुन है। अगर आपका लहसुन पीला वाला है और पुराना लहसुन है तो आप इसकी स्किन को जरूर निकाल देना। अगर आपका ताजा वाला है तो आप स्किन के साथ डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने अदरक ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके ऊपर की स्किन या छिलके को निकाल दिया है। 1.5 इंच की अदरक है, अदरक जरूर डालना, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिली डालेंगे, जो तीखी वाली है। अगर आपकी तीखी वाली ना हो तो आप 3 से 4 डाल सकते हैं। इस तरह से तोड़कर डालेंगे ग्रीन चिली। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा। अब इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम इसको कवर कर देंगे और मिक्सी को 1 से 2 बार चलाकर रोक देंगे और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो चलिए दरदरा सा पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा होगा। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था और इस तरह से हमारा ये रेडी हो चुका है। आप इसे किसी भी चीज में ऐड करेंगे तो ये ग्रीन मसाला बहुत ज्यादा टेस्टी है और आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल ही पानी का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। अब इसे साइड में रख देते हैं, आलू को चेक कर लेते हैं, वो ठंडा हो चुका होगा। तो एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है और आलू जो हमारे ठंडा हो गया उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हल्का सा ठंडा होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जो आलू है ये 75% तक कच्चा है और इसको भूनने से इसमें से जो स्मोकी सा फ्लेवर आता है उसी का हमें इंतजार है, इसीलिए हमने इसे भूना है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे लच्छे खिले खिले से, लच्छे तोड़े नहीं है हमने, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको चलाना है। अब जो हमारा ये ग्रीन वाला मसाला था जिसको हमने बना के रखा था, इसी टाइम में इसको ऐड कर देंगे, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा का सारा हम ऐड करेंगे, बचाएंगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया था। अब इसमें हम डालेंगे नमक। अब इस स्टेज पे हम नमक डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये गया हमारा 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना नमक आप खाते हो। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च ज्यादा डाली थी इसलिए मैंने लाल मिर्च को बैलेंस के हिसाब से रखा है। अगर आपने हरी मिर्च ना डाली हो तो आप लाल मिर्च को बढ़ा सकते हैं, और मैंने कुटी हुई डाली, इससे लुक बहुत प्यारा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला। तो ये गया हमारा 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, जिससे ये बहुत ज्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन चाट मसाला हो तो चाट मसाला ही डालना, उससे अलग ही टेस्ट आता है। अब इसमें हम चुटकी भर गरम मसाला डालेंगे, जो मेरा होममेड है, आप चाहें तो मार्केट वाला भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को होममेड गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए क्या डालेंगे वो आपको बता रहे हैं, तो चलिए बताते हैं। तो बाइंडिंग के लिए हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच बेसन डालेंगे, मोटा महीन जैसा भी बेसन हो आप ले सकते हैं, सिर्फ 2 चम्मच डालना है, 2 चम्मच से कम नहीं और 2 चम्मच से ज्यादा नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालेंगे, बिल्कुल नाम मात्र का। तो फ्रेंड सिर्फ 1 पिंच डालना है, ज्यादा टर्मरिक पाउडर नहीं डालना है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, जो इस तरह से हथेली पे ले लेंगे और इसको मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब बेसन को हम हल्के हाथों से मिला लेंगे, तो इस तरह से हल्का हल्का सा मिला लेना है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो पानी कितना जाएगा अभी आपको बताते हैं। तो हम 1 कप पानी डालेंगे इसके अंदर, तो 1 छोटा कप पानी हम पहले डालेंगे, फिर इसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, तो हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 कप पानी हमने डाला है और इस तरीके से हमारा ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए और 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 1 मिनट हम कवर करके रख देते हैं, 1 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से बेसन मिल चुका है, सारे मसाले हमारे आलू के लच्छे के साथ मिल चुके हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करेंगे बिना किसी तामझाम के। तो चलते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और 1 चम्मच हमने तेल रखा है, बड़ा चम्मच। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आपको 2 चम्मच लग जाएगा। और तेल को हम पूरे पैन में इस तरीके से फैला लेंगे और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। जो पैन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, उससे रिजल्ट अच्छा आएगा। और बनाने से पहले अपने मिश्रण को हम मिला लेंगे और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेंगे, 2 से 3 चम्मच, और इसको हम इस तरह से डालेंगे
और इस तरह से शेप दे देंगे। और इसको डालते ही तुरंत पलटने की ज़रूरत नहीं है, इसे जब हम अच्छे से एक साइड कुक हो जाने देंगे तब पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक बार में जितने बन पाएंगे उतने हम बनाएंगे, बाकी हम बाद में बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। तो इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का सा हम इसको शेप देने की कोशिश करेंगे। आप इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं, मैंने इसे गोल बनाया है, आप चाहे तो इसे फोर एंगल भी बना सकते हैं, थ्री एंगल भी बना सकते हैं चम्मच से। इस तरह से हल्का हल्का सा हम इसको शेप दे देंगे। आप इसे धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे बिना टच किए हुए 2 मिनट, और गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे। और फिर इसके बाद इसको टर्न करेंगे 2 मिनट के बाद। कवर करने की ज़रूरत नहीं है, कवर करेंगे तो ये कुरकुरा नहीं बनेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको कुरकुरा चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर इसे पकने देना होगा बिना कवर किए। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे टर्न कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है। अब इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे, फिर इसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए देख लेते हैं। तो दूसरे साइड से भी बढ़िया तरीके से टर्न हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट इसका आया है और कितना बढ़िया कलर आया है। तो चलिए इसे निकाल कर हम दूसरा वाला ही बनाएंगे। तो फ्रेंड दोबारा बनाने के लिए तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने मिश्रण को हम लेंगे 3 से 4 चम्मच और इसको हम इस तरह से डालते हुए शेप दे देंगे। तो सेम जैसे हमने पहले वाला बनाया था उससे भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। और इसे भी डालते ही तुरंत पलटने की गलती मत करना, 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। और इसके जो लच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिले खिले से आते हैं अगर आप मेरी टिप को फॉलो करके बनाएंगे। तो ये देखिए, तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको लास्ट में दिखाते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डियर। तो फ्रेंड ये हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। देख लीजिए कितनी कम चीज़ों से बनाया है और कितना प्यारा लुक आया है, और इसके जो आलू के लच्छे हैं वो कितने खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। और ये अमेजिंग सी चटनी जिसके साथ मैं इस नाश्ते को खाने वाली हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर दूंगी। इसकी फुल वीडियो मेरे पास मौजूद है, वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगी। तो चलिए आपको नाश्ते का फाइनल लुक दिखा सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया है, कितना ज़रा सॉफ्ट है, कितना ज़रा कुरकुरा है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, फ्लफी है और मुंह में मेल्ट होने वाला बना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर अच्छे से बनाना है, तभी आपका रिजल्ट ऐसा ही आएगा और आलू के लच्छे बिल्कुल खिले खिले से आएंगे। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो चलिए मैं इसे इन्जॉय करती हूँ। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी घर की चीज़ों से। तो चलिए गर्मा गर्म यह अमेजिंग सा नाश्ता हम तैयार करते हैं, जो ऊपर से मतलब खाते हैं, क्योंकि ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है, अंदर से मुंह में मेल्ट होने वाला बना है। ऊपर से कुरकुरा है, अंदर से क्रिस्पी है और काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना।